कजरी महोत्सव में पहुंचे आदित्य ठाकरे। मलाटपुर व ओबेरॉय मॉल के सामने उत्तर भारतीय द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव में शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। वहां उन्होंने उत्तर भारतीय वेशभूषा पहनकर सबको चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो खून आपका है वही हमारा भी है, जब तक राम मंदिर निर्माण नहीं होता हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने जय श्री राम की घोषणा भी की। उत्तर भारतीय वोट पर एरिया में बड़े मात्रा में है, जिसका फायदा भाजपा को हुआ था। इसके साथ वोट बैंक के लिए भी आग खकरे गए थे। और पूरी टीम का यहाँ कजरी महोत्सव शुरू है और देश में केसरी महोत्सव शुरू है। और ये जो भगवा है वो पूरे देश में लेके जा रहे हैं। एक ही मैं कहूंगा कि जब हम अयोध्या पधारे थे तो वहां जो मैंने प्यार देखा और रामलला के दर्शन दिए, एक ही सीख में लेके आया हूं। रघु की रीत सदा चली आई, यही गोल यही सीख शिवसेना की रही है। राजनीति में हो समाजकरण में हो जो वचन दिए हैं वो पूरे करते आई है। भगवान झंडा ना छोड़ा कभी और यही कहते हैं कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनता है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सिर्फ रंग का महोत्सव नहीं लेकिन एक सूर्योदय का महोत्सव है, क्योंकि केसरी रंग ये सूर्योदय को होता है। केसरी रंग ये अग्नि का है, तेज का रूप है और यही केसरी रंग पूरी दुनिया में है कि हमें लेके जाना, इसलिए हम सब साथ में आकर ये केसरी रंग आगे लेके जाएंगे। तो ज्यादा वक्त नहीं रुका, मुझे पता है आपने गाने सुने हैं और मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये रंग जो है हमारे जहन में है, हमारे रग रग में है और यही रंग आपके भी रग रग में है। तो हम साथ में आके जो भी वचन दिए हैं इस देश को, इस हर एक देश के नागरिक को, राम मंदिर से लेके हर एक गांव तक, वो सारे वचन पूरे करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।